असलम डियर वीवर्स एंड स्टूडेंट्स वेलकम टू क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो डियर वीवर्स आज हम पढ़ेंगे वट इज़ ए नोज़ ब्लीड आर एपिस्टेक्सिस यानी अपिस्टेक्सिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अपिस्टेक्सिस क्या है या नोज़ ब्लीडिंग क्या है सिंपली फुट ए नोज ब्लीड इज़ द लॉस ऑफ ब्लड फ्राम द टिशू दाइन्स द इनसाइड ऑफ यूर नोज नोज़ ब्लीड क्या होता है लॉस ऑफ ब्लड होता है कहाँ से जो इनसाइड द नोज़ जो टिश्यूज होता है उसमें जब ब्लीडिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं नोज़ ब्लीड कहते हैं नोज़ ब्लीड आल्सो कॉल्ड अपिस्टेक्सिस नोज़ ब्लीड को हम क्या कहते हैं अपिस्टेक्सिस कहते हैं और कॉमन ये कॉमन होती है सम सिक्सटी परसेंट ऑफ पीपल विल हैव एट लीस्ट वन नोज़ ब्लीड इन देयर लाइफ टाइम सिक्सटी परसेंट लोग जो होते हैं वन टाइम उसको नोज़ ब्लीड ज़रूरी होती है, जरूरी होती है. <clears throat> यानी सिक्सटी परसेंट लोग जो होते हैं वन टाइम उसको नोज़ uh, ब्लीड मस्ट होती है अपनी जिंदगी में द लोकेशन ऑफ द नोज इन द मिडल ऑफ द फेस एंड द लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस इन द लाइनिंग ऑफ यूर नोज मेक इट एन ईजी टारगेट फॉर इंजरी एंड नोज ब्लीड नोस कहाँ पे होती है ये हमारे मिडल फ़ेस में होती है इसकी लोकेशन uh, कहाँ पे होती है मिडल ऑफ़ द फेस में होती है और चूंकि मिडल ऑफ़ द फेस यानी नियर द नोज़ जो ब्लड uh, वेसल्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं और जब भी नोज़ uh, को इंजरी होती है तो ईजीली वहाँ पर वो ब्लड ब्लड वेसल जो है वो रपच्चर हो जाती है और इसी तरह नोज़ ब्लीड हो जाती है आर दियर डिफरेंट कॉइंट्स ऑफ नोज़ ब्लीड येस नोज़ ब्लीड्स आर डिस्क्राइब बाई द साइड ऑफ द ब्लीड नोज ब्लीड हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं साइड ऑफ द ब्लीड के थ्रू हम क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं दियर आर टू मेन टाइप्स एंड वन इज़ मोर सीरियस देन द अदर टू टाइप्स है नोज ब्लीड की और इसमें एक जो है वो सीरियस होती है एंड इंटीरियर नोज ब्लीड स्टार्ट इन द फ्रंट ऑफ द नोज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द वॉल द टू साइड्स ऑफ द नोज कॉल्ड द सेप्टम इंटीरियर नोज़ ब्लीड कौन सी होती है इंटीरियर नोज़ ब्लीड जो है यानी टू टाइप्स हमने कहा तो वन टाइप्स को इंटीरियर नोज़ ब्लीड होती है और ये कहाँ से होती है ये नोज़ uh, की लोअर पार्ट जो होती है और स्पेशली जो नोज़ को डिवाइड करती है तो उसके दरमियान जो वाल होती है जिसको हम क्या कहते हैं सेप्टम कहते हैं उसी से ये ब्लीडिंग होती है कैफिलरीज एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स इन दिस प्रंट एरिया ऑफ द नोज़ आर फ्रेजाइल एंड कैन ईजिली ब्रेक एंड ब्लीड इस सेप्टम में जो कैपिलरीज होते हैं ब्लड के तो ये क्या होते हैं ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं इसकी ब्रेकडाउन और इजीली इससे क्या होती है ब्लीडिंग होती है फ्रेजाइल किस चीज़ को कहते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन होती है जो वीक होती है उसको फ्रेजाइल बिसल कहते हैं दिस इज़ दो द मोस्ट कामन टाइप ऑफ नोज ब्लीड एंड इज़ यूजली नॉट सीरियस ये टाइप जो है यानी ये इंटीरियर नोज़ ब्लीड जो है ये कामन टाइप्स है और ये ज़्यादा सीरियस नहीं है दिज नोज ब्लीड आर मोर कामन इन चिल्ड्रेन एंड आर यूजली एबल टू बी ट्रीटेड एट होम ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होती है और ये घर में ही ट्रीट किया जा सकता है जिस तरह हमने पहले कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती ए पोस्टीरियर नोज ब्लीड दूसरी टाइप्स कौन सा है पोस्टीरियर इंटीरियर एक हमने पढ़ा अब है पोस्टीरियर नोज ब्लीड ओकस डीप इन साइड द नोज ये डीप इन साइड द नोज होती है दिस नोज ब्लीड इज काज बाई ए ब्लीड इन लार्जर ब्लड वेसल्स इन द बैक पार्ट ऑफ द नोज नियर द द्रॉट ये ये ब्लीडिंग जो होती है ये बड़े वेसल्स से होती है और ये बड़े वेसल्स नोज़ की बैक साइड पर यानी थ्रॉट के करीब होते हैं उससे ये ब्लीडिंग होती है दिस कैन बी ए मोर सीरियस नोज़ ब्लीड देन एन इंटीरियर नोज़ ब्लीड ये पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड जो है ये ज़्यादा खतरनाक है किस चीज से इंटीरियर नोज ब्लीड से इट कैन रिजल्ट इन हैवी ब्लीडिंग इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है विच में फ्लो डाउन द बैक ऑफ द्रॉट और जो पीछे थ्रॉट uh, की तरफ जा सकती है यू मे नीड मेडिकल अटेंशन राइट अवे फॉर दिस टाइप ऑफ नोज ब्लीड इस टाइप यानी पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड में मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आ, ये सीरियस ब्लीडिंग होती है दिस टाइप ऑफ नोज़ ब्लीड इज़ मोर कॉमन इन एडल्ट्स और ये, ये, ये नोज़ ब्लीड जो है ये टाइप ये एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन होती है व्हाट काज इज़ नोज ब्लीड अब इसकी काज इस कौन से हैं मोस्ट नोज ब्लीड डू नॉट हैव एन है आइडेंटिफाइबल कॉज नोज़ ब्लीड की काज जो है ये इजिली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता हाउ एवर ट्रामा टू द नोज़ इज़ ए वेरी कॉमन काज ऑफ नोज़ ब्लीड लेकिन ट्रामा जो है ये ज़्यादा कॉमन काज है किस चीज़ की नोज ब्लीड ब्लीड्स की आ, नोज ब्लीड्स कैन बी कॉज्ड बाई ट्रामा टू द आउट साइड ऑफ़ द नोज क्राम ए ब्लोड टू द फेस आर ट्रामा टू द इन साइड ऑफ द नोज क्राम नोज पैकिंग इस तरह नोज को किसी किस्म की ट्रामा भी हो जाए आउटर साइड से या इनर साइड से तो उसकी वजह से यह ब्लीडिंग हो जाती है अदर कंडीशन दैट प्रिस्पोज ए परसन टू नोज ब्लीड्स इंक्लूड दूसरी काज इस कौन कौन से है वो नीचे एक्सप्लेन किया गया है एक्सपोजर टू वार्म ड्राई एयर फॉर प्रो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा गर्म जगह या हवा से में रह रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए तो उसको ये नोज़ ब्लीड हो सकता है नेजल एंड साइनस इन्फेक्शन इसी तरह एक बंदे को अगर नेजल इन्फेक्शन हो या साइनस इन्फेक्शन हो गया हो साइनोसाइटिस जिसको हम कहते हैं तो उसको भी ने, ये नेजल ब्लीड्स हो सकता है यानी पैक्सिस हो सकता है एलर्जिक रीनाइटिस मेंस्ट्रैक्सिस हो सकता है नेजल फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट स्टक इन द नोज अगर कोई फॉरेन बॉडी नोज़ में चला जाए और वहाँ पर स्टक हो जाए तब भी नेज़ल ब्लीड हो सकता है नेजल सर्जरी अगर हो जाए उसमें भी नेजल ब्लीड हो सकता है और नेजल नेजल सेप्टम सेप्टम इसी तरह अगर नेजल सेप्टम जो है वो उसमें हो जाए या परपोरेट हो जाए तब भी नोज ब्लीड हो सकती है आ, कोकेन यूज अगर इसी तरह कोई बंदा कोकेन इस्तेमाल करता है तब भी नोज ब्लीड हो सकता है लेस कॉमनली एन अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन मेक काज ए नोज ब्लीड और मेक इट मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इसी तरह अगर कोई बंदा कोई ऐसी मेडिकेशन लेता है जो ब्लड तिन करता है या ब्लड कोगुलेशन पैटर्न को इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीड हो सकती है लेकिन ये क्या है ये लेस कॉमन है इसी तरह एनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट इज मोस्ट ऑफन ड्यू टू ब्लड थिनिंग मेडिकेशन सच सचेज वॉरफोन क्लोबेटोग बाई सल्फेट नॉन स्टेरा एंड इन्फॉर्मेट्री ड्रग्स और एस्पिरिन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ऐसी मेडिकेशन जो क्या करता है ब्लड को थिन करता है और ऐसा पेशेंट जो ऑलरेडी वो मेडिसन लेस है तो ऐसे बंदे में फिर यह ब्लीडिंग स्टॉप करना मुश्किल होती है क्योंकि वो ऐसे मेडिसन लेते हैं जो ऑलरेडी ब्लड को क्या करते हैं तेन करते हैं एक्साम्पल वर्फोन है बाइसलफेट है ड्रग्स है आ, और एसपीन ऑलरेडी इन एस में आते हैं तो ये सारे ड्रग्स अगर एक पेशेंट इस्तेमाल करता है और उसको नोज ब्लीड हो जाती है तो इस तरह पेशेंट्स की नोज़ ब्लीड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होती है टॉपिकल नेजल मेडिकेशन सच एज कार्टिकोस्टीज एंड हस्टामिन मे समटाइम्स लीड टू तो नोज ब्लीड इसी तरह अगर कोई टॉपिकल मेडिकेशन लेता है फॉर एग्जाम्पल कार्टिकोस्टेराइडस या एंटी हस्ट्रामीस ऑयनमेंट या क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीड हो सकता है लीवर डिजीज़ क्रॉनिक अल्कोल एब्यूज किडनी डिजीज ब्लैटलेट्स डिजार्डस एंड इनहेरिटेड ब्लड क्लॉटिंग डिजार्डर्स कैन आल्सो इंटरफेयर विद ब्लड क्लॉटिंग एंड डिस्पोज टू नोज ब्लीड इसी तरह एक पेशेंट को अगर लीवर डिजीज हो या क्रॉनिक अल्कोहल एब्यूज हो यानी बहुत ज्यादा टाइम से शराब पीता हो या उसको किडनी डिजीज हो या प्लेट डिजार्डर्स हो प्लेटलेट्स उसकी कम हो रहे हो एंड इनहेरिटेड ब्लड क्लॉटिंग डिजार्डर्स या किसी को पैदाइशी ब्लड क्लॉटिंग डिजार्डर्स हो बीमारी हो तो ऐसे बंदे का ब्लड क्लॉटिंग uh, होना भी पेर क्या होता है मुश्किल होता है या इस ऐसे पेशेंट से भी नोज़ ब्लीड उसकी हो जाती है ठीक है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होती है वास्कुलर मॉल फॉर्मेशन इन द नोज़ एंड नेजल ट्यूमर्स आर रेयर कॉज ऑफ़ नोज ब्लीड इसी तरह अगर नोज़ uh, की वास्कुलर मॉल फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकती है या उसमें ट्यूमर हो जाने की वजह से भी नोज़ ब्लीड हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर में कंट्रीब्यूट uh, टू ब्लीडिंग बट रेयर हाई ब्लड प्रेशर भी uh, uh, की वजह से नोज ब्लीड हो सकती है लेकिन ये भी रेयर uh, होती है इट इज़ ऑफन द एन्टी एसोसिएट विद द नोज ब्लीड दैट लीड्स टू द एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर ये उस पेशेंट्स में होती है उन पेशेंट में जिनको एन्जाइटी होती है और उसकी वजह से उसकी ब्लड प्रेशर जो है उसमें एलिवेशन पैदा होती है और उसकी वजह से नोज़ ब्लीड हो सकता है विच चिल्ड्रन आर एट रिस्क फॉर ए नोज़ ब्लीड कौन से चिल्ड्रन uh, जो होते हैं वो नोज़ ब्लीड के लिए रिस्की uh, होते हैं ए चाइल्ड मे बी मोर एट रिस्क फॉर नोज ब्लीड इफ ही आर शी वो बच्चा ज़्यादा रिस्की होता है जिसमें लाइज इन ए ड्राई क्लाइमेट जो ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं हैज़ एलर्जीज या किसी uh, जिनको एलर्जी होती है हैज़ ए कोल्ड या जिसको कोल्ड uh, cool होती है वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स अब कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसमें इन फ्यूबल विद एन ब्लीड, सर्टेन सिम्टम्स एंड करेक्टरिस्टिक्स और कॉज फॉर कंसर्न अब ऐसी जिन लोगों में नोज़ ब्लीड होते हैं तो उसको आ, कौन से मेन सिम्टम्स होते हैं ये ऑलरेडी बयान किया गया है नीचे दे इंक्लूड साइंस ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस सच एज वीकनेस फेंटिंग विन स्टैंडिंग अप ऐसी बंदे जिससे ऑलरेडी एक्सेसिव ब्लड लॉस होती है तो इसमें क्या हो जाती है वीकनेस आ जाती है आ, उसकी पेंटिंग होती है उसको यानी जब वो विन स्टैंडिंग अप जब वो बैठा होता है और जब वो खड़ा हो जाता है तो उसको क्या होता है पेंटिंग होता है यानी सर चकराना आती है उसको ठीक है यूज़ और ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद ब्लड क्लॉटिंग इसी तरह अगर कोई ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल करता हो जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है इंटरफेयर करता है साइंस ऑफ ब्लीडिंग डिजॉर्डर और ए नाउन ब्लीडिंग डिजॉर्डर सच एज हेमोफीलिया इसी तरह अगर किसी को ऐसा ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो जिस जिसमें क्या होती है ब्लड क्लॉट नहीं होती फॉर एग्जाम्पल हेमोफीलिया तो ऐसे पेशेंट्स में भी आ, क्या होती है नोज ब्लीड होती है सिव, आ, सेवरल रिसेंट एपिसोड्स ऑफ़ नोज ब्लीड पार्टिकुलरली विद नो क्लियर कास्ट इसमें इस तरह आ, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं नोज़ ब्लीड के और Uh, उसकी काज जो है वो अननोन होती है द मोस्ट कॉमन ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद ब्लड क्लॉटिंग इंक्लूड एसपेन एंड वर्फरीन ये तो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये वो मोस्ट कॉमन ड्रग्स है जो क्या करते हैं जो ब्लड को थिन करते हैं और ब्लड क्लाटिंग uh, में इंटरफेयर करते हैं साइंस आप ब्लीडिंग डिजार्ट इंक्लूड अब इसके ब्लीडिंग डिजार्ज की साइंस क्या होते हैं न्यूमर स्मॉल पर्पल स्पॉट्स ऑन द स्किन पेटीचिया यानी uh, इसमें क्या होती है स्किन पे बहुत सारे पर्पल uh, स्पॉट्स बन जाते हैं जिसको पेटीचिया कहते हैं ईजिली ब्लीडिंग गम्स इसमें आ, दूसरा साइन किया है कि गोम्स से आ, क्या होगा ईजिली ब्लीडिंग होगा ब्लड इजूल्स होगा इसमें कपिंग अब ब्लड इसी तरह कप के साथ ब्लड आएगा ब्लड इन द यूरिन और इसमें इसी तरह यूरिन में भी ब्लड आएगा जिसको हम हेमेचोरिया है कहते हैं एक्सेस ब्लीडिंग वाइल ब्रशिंग द टीथ और इसी तरह जब टीथ ब्रश करते हैं तो उसके साथ भी एक्सेस ब्लीडिंग होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है हैविंग ब्लड टेस्ट और सफरिंग माइनर कट्स और अगर इसी तरह किसी को ब्लड टेस्ट करना हो या उसको कोई माइनर कट

नोज़ की सेप्ट सेप्टम जो है उसकी हेमेटोमा उसमें हो सकता है या उसकी परपोरेशन हो सकता है एक्सटर्नल नेजल डिपॉर्मिटी और इसी तरह एक्सटर्नल uh, नेजल जो है उसमें डिपॉर्मिटी आ सकती है उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है अस्पाइशंस हो सकता है उसमें यानी जो ब्लीडिंग होती है वो सांस की नाली यानी ट्रेकिया में जा सकता है जिसको हम इस्पाइरेशंस कहते हैं तो ये क्या है ये कम्प्लिकेशन्स है किस चीज़ की नोज़ ब्लीड्स की या एपिस्टेक्सिस की तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है uh, इनशाला इसकी बाकी ट्रीटमेंट uh, और इन्वेस्टिगेशन uh, जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिन स्टूडेंट्स और व्यवसर् ने आ, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो मेहरबानी करें हमारे चैनल क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बिल के निशान आ, क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे जिन स्टूडेंट्स और व्यवर्स को कहीं पर भी, भी कोई मसला हो तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि को उस पॉइंट्स को दोबारा आपको एक्सप्लेन करें थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम